आज का टॉपिक है, क्या मूर्ति पूजा करने से हमारे को भगवान मिलते हैं, या मंदिर में जाके जो मूर्ति है वो डिफरेंट है वर्सेस जो मुझे पेड़ के नीचे मूर्ति मिलती है, या वो सैटरडे में आके वो लोटा लेके बोलता है जय जय शनिदेव जय शनिदेव, उसमें डाल दो पैसा तो उसमें मिलता है, या जो जो लोग नीचे भीख मांग रहे हो तो उसमें भगवान की वो छोटी छोटी मूर्तियाँ रख लेते हैं, क्या उसमें भगवान है? तो आंसर आपको मिलेगा कि किसी में भी भगवान नहीं है, भगवान आपको मिलेंगे उन मूर्तियों में जो कि प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा पूजने योग्य है और जो हर रोज उनकी डेली पूजा होती है सुबह शाम दोपहर, और उसमें भगवान को भोग लगा जाता है, उनमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भगवान को पूजा करा जाता है, उसमें ही भगवान प्रकट होते हैं। इवन भगवत गीता में भगवान ने स्पेसिफाई करा है चैप्टर नंबर 12 टेक्स्ट नंबर 5 में कि अगर आपको मुझे पूजना है, अगर आपको धरती पर अगर मुझे पूजना है तो मैं आपको मंदिर में मिलूंगा, डीटीज के फॉर्म में मिलूंगा, मूर्ति के फॉर्म में मिलूंगा, वो मूर्ति स्टोन की हो सकती है, ऑयल पेंट की हो सकती है, वुड की हो सकती है, वो मटेरियल नहीं है, वो मैं स्वयं स्वयं खुद हूँ, तो आप मुझे उसमें पूज सकते हो और आप अपनी इच्छा अपनी नीड्स आप मेरे से शेयर कर सकते हो। नीड्स को पूरी करना, डिजायर्स को पूरी करना दो आपके कर्मों के बेसिस पर होती है, पर फिर भी मैं उसमें आपको प्लस माइनस कर सकता हूँ। ये भगवान ने स्वयं भगवद गीता में लिखा हुआ है कि गॉड विल एक्सेप्ट सर्विसेज ओनली थ्रू दिस फॉर्म ओनली बिकॉज द लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट एंड ऑल पावरफुल, देयरफॉर हिज इनकार्नेशन इज कॉल्ड एन अकार विग्रह। तो भगवान का एक और इनकार्नेशन है, उसे बोलते हैं अकार विग्रह, मीन्स लाइफ मूर्ति, एंड ही विल एक्सेप्ट ओनली सर्विस फ्रॉम दिस मूर्ति ओनली जस्ट टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर अस इन दी कंडीशनल लाइफ, बिकॉज कंडीशनल लाइफ में सिर्फ इंसान ही होते हैं जो कंडीशनल लाइफ में होते हैं, बाकी एनिमल्स के अलावा कोई कंडीशन नहीं होते, दे आर इन द भोग योनि, उनका प्रोसेस डिविजन होता है, उनको जितना बताया गया है वो उतना ही काम करते हैं, पर इंसान के पास एक दिमाग होता है जिसके बेसिस पर वो 10 चीजें कर सकता है, हेंस ही हैज ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर इन हिस माइंड, दैट इज फॉर हिज लाइफ इज कंडीशन। सो फिर अगर मूर्ति टूट जाती है तो वास्तु के हिसाब से वो खंडित मूर्ति मानी जाती है क्योंकि वो मूर्ति है, पर अगर विग्रह को थोड़ा सा टूट जाती है, ब्रेक हो जाता है, तो विग्रह को आप फेंक नहीं सकते, विग्रह को आपको टू द एक्सटेंट रिपेयर करना पड़ता है, उसको रिपेयर आपको करना पड़ेगा और उसके बाद उसी मूर्ति को ही आपको स्थापित करना पड़ेगा क्योंकि वो लाइफ फॉर्म में है, भगवान उसमें एग्जिस्ट करते हैं लाइफ फॉर्म में है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। सो इवन इफ वी गॉट अ ब्रोकन ब्रोकन इट नीड टू बी फिक्स नॉट थ्रोन आउट नियर द ट्री। सो अगर वो टूट जाती है तो हम पेड़ों के नीचे या समुद्र में फेंक देते हैं या नालियों में डाल देते हैं, उसमें नहीं डालना। आप गणेश जी की मूर्ति भी देखो, जब गणेश जी का विसर्जन होता है मूर्ति के बाद सारी गणेश जी की मूर्तियाँ रोडों पर पड़ी होती है, वो भगवान का बहुत ज़्यादा तिरस्कार है, तो उससे हमें बचना चाहिए। सो अगर उसे मूर्ति मानते हो तो आप थ्रो कर दो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसे लाइव विग्रह मानते हो तो आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा, आप उसको थ्रो नहीं कर सकते, भगवान ने स्वयं भगवद गीता में ये चीज लिखी गई है। सो कंक्लूजन ये है कि भगवान ना तो मूर्ति में एग्जिस्ट करते हैं, ना तुम्हारे कीचेन में एग्जिस्ट करते हैं, ना तुम्हारी मालाज में एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी मटीरियल थिंग में एग्जिस्ट नहीं करते, और किसी इंसान में भी भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, भगवान सिर्फ एक जगह इंसान के एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्रियोदक्ष विष्णु, तो भगवान हर लिविंग एंटिटी के प्रवेश होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विष्णु। सो कंक्लूजन ये है, मूर्ति में भगवान नहीं है, लाइव विग्रह में भगवान है। लाइव विग्रह उसे कहते हैं जो मंत्रों के द्वारा उसे उसमें प्राण डाले जाते हैं और उसको विधि विधान से उसे पूजा जाता है, उसे लाइव विग्रह कहते हैं। और इसके अलावा आप किधर भी दान देते हो, किसी भी मूर्ति पर दान करते हो चढ़ाते हो, वो पूजने योग्य नहीं है। उसका एक लाइव एग्जाम्पल है, अगर आपको मैं 500 का नोट देता हूँ जो RBI द्वारा अप्रूव्ड है और एक फेक पेपर है, वो भी 500 का नोट है पर RBI का साइन नहीं है, तो आपको सिर्फ जो रॉ मटेरियल व्हेन यू विल परचेज ओनली फ्रॉम दैट RBI अप्रूव नोट, आप दूसरे वाले नोट से नहीं कर सकते क्योंकि अनअप्रूव नोट है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, एक आपको आपने पोस्ट लेटर लिखी, लेटर लिखने के बाद आपने पोस्ट ऑफिस के रेड डिब्बे में डाला वो कि अथराइज है, तो उसके बेसिस में हो सकता है आपकी पोस्ट बैंगलोर पहुंच जाए।
सिमिलरली एक और लाल डिब्बा है, वो ऐसे ही बना हुआ है पर वो पोस्ट ऑफिस अप्रूव नहीं है, तो आप कितनी भी चिट्ठियां डाल दो तब भी वो भगवान के पास नहीं पहुंचेगी, बैंगलोर नहीं पहुंचेगी। तो आपको जो भी काम करना है अप्रूव करना है, अनअप्रूव करने में आपको कोई भी बेनिफिशियल नहीं होगा। फिर आप भगवान को ब्लेम मत करना कि हे भगवान मैंने आपको 10 रुपये चढ़ाए थे, 100 रुपये चढ़ाए थे पर नहीं हुआ, क्योंकि वो मूर्ति पूजने नहीं है। हरे कृष्णा।